नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज एटू चैट। जनपद सिपरी की कोतवाली थाने में पदस्थ महिला सब इंस्पेक्टर पर फरियादी उदय भूषण ने रिश्वत लेने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत आईजी ग्वालियर को एक शिकायती आवेदन देकर की गई। साथ ही रिश्वत लेने की एक वीडियो भी वायरल हुई है। फरियादी उदय भूषण का कहना है कि उसकी पत्नी 5 माह से घर से गायब है, जिसकी शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई गई थी, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं महिला सब इंस्पेक्टर प्रियंका जैन ने उदय की पत्नी को वापस लाने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की, जिसमें फरियादी द्वारा 10,000 रुपए पहले दिए गए थे। वहीं 10,000 रुपए लेन देन के मामले की वीडियो फरियादी ने बना ली। वहीं इस मामले पर शिवपुरी SDOP सुधीर कुशवाहा का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है और मामले की जांच कर कार्रवाई की जा रही है। समाज एटू चैट के लिए शिवपुरी से साबित खान की रिपोर्ट। अच्छा, वही ड्यूटी चल रही है ट्रिपल एस क्या? कहाँ, घर पे आ गया क्या ट्रिपल एस? अच्छा, कल आ रहे हैं तो अभी फ्री है, टाइम है तुम्हारे पास? ड्यूटी पे ही हो? कितने बजे तक है? अरे यार, 10 बजे तक है। चलो ठीक है, मैं अभी लगाती तुमको फोन, अभी लगाती हूँ ना। हाँ, क्या कह रहे साहब से? पर क्या कह रहे, बात हो तो गई थी अपनी, 10,000 अभी 10,000 लौट के आओ तब दे देना। इतना तो विश्वास कर लो ना। इतना विश्वास तो कर लो ना। आपको विश्वास नहीं है क्या? हम तो विश्वास है। तो बस, तो फिर बस ये निराकरण हो जाए। मैं तो परेशान हो गया, तो 4-5 महीने हो गए ये नाटक होते होते। हेलो, कौन? शोभा? हाँ शोभा, बोलो। अच्छा, थाने पर आ गई वो? अब वो आ गई, दूसरी आ गई? घर पे है? तो एक काम करो, लेके आ जाओ उसको, ठीक है? सुबह का सुबह फोन लगा लेना, ठीक है? ठीक है, सुबह जब तो एक काम करना, सुबह मुझे 9 बजे फोन लगा लेना, ठीक है? तो मैं बता क्या बात, तुम कल ही वही बोलना, 9 बजे फोन लगा के जब आ जाना तब बात बोलना, ठीक है? इसका लड़का आ गया क्या? इसका जरा पता करके बताओ आया कि नहीं आया। हाँ तो दूसरे पता करके बताओ, क्या है कि नहीं है, जरा पता करके मुझे बताओ ना। हाँ बताओ। हाँ, आपका निवास कहाँ? वही है, उसी में बटालियन नहीं, उधर ही। आपको फोन लगा ना, पूछ लो। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सर SDOP साहब ना, वही है सुधीर सिंह कुशवाहा, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे कोलारस में दिखे थे। मैं काम से गया था अभी, तो पूछ लो है कि नहीं है। मुझे नहीं, तो मेरी तो अभी बात हुई थी ना। सुनो, मुझे जाना पड़ेगा कि आप ही हो जाओगी अकेली? नहीं, वो तो मैं ही हुआ। तो आप ही हो जाना, कुछ थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करें। एक तरफ तो भैया भी कह रही हो, जो नहीं समझ रहे कि भैया की भाभी भाग गई, यहाँ तो सब सत्यानाश हो गया। बड़ी मुश्किल से जो मैंने चैट चैट किया, आप लोगों तैयार किया है कि चलो यार खत्म करें अपन जी मैटर रोज रोज का। साहब से फोन आ रहे हैं, यही साहब ना चढ़ जाए आपसे, और चलाने वाले हो रहे आप ही हो गए। मैं तो बात ही नहीं करता, और तो
अच्छा, बात नहीं, अपन नहीं करते किसी से बात, बस अगर मैं करता होता तो फिर पहले ही नहीं करे आता। बस ठीक है। हाँ सर, घर पे ही है सर, बंगले पे ही है सर, सब आ रहे हैं। पहली बार आ रही हूँ किसी एजेंसी के थ्रू, परिचित नहीं है इसलिए। कहाँ के हैं, ग्वालियर के हैं क्या सर? नहीं पहले भी रहे हैं, पहले भी अपने एजेंसी भी रहे। ओ यार तू एक केस और मत लगवा, एक से तो निपट लेने दे पहले। मैंने लेकिन एक चीज देखी है मैडम अपनी जिंदगी में, कि जो व्यक्ति कुछ नहीं करता ना उसे फंसा देते हैं बिना मतलब में, और जो सब कुछ करके गया उसको कोई कुछ नहीं किया। हैं वो तो भैया समय होता है, समय है ना? नहीं समय नहीं, मतलब तो समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। कोई टेंशन नहीं है, आपने क्या है थोड़ा सा हिसाब की वजह से हो, नहीं तो कोई इतना बड़ा नहीं था। एक अभी हुई थी गुमशुदगी, 15 दिन में निपटा दिया उसको। तो मुझसे क्या प्रॉब्लम थी? मेरे काय को 5 महीने से पेंडिंग डाल रखी 15 दिन में। अब ये था ना, ये जो बात थी ना अपनी लेन देन वाली, ये पहले ही कर लेते तो पहले खत्म हो जाती है। कौन से? यही वाली पैसे वाली, पहले कर लेती तो पहले खत्म हो जाती है। मेरे को सिर दर्द नहीं होता, आप ये मानो मैं कम से कम 5 लाख रुपए के घाटे में हूँ इस समय इस काम की वजह से, क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रहा अपना, दिक्कत ये हो रही है। मैं मुझे नींद नहीं आती रात को, आप काम की बात कर रहे, कितनी बड़ी घटना हुई है मेरे साथ। छोटे भैया का फोन है। नहीं वो तो कॉल। हेलो, कहाँ से? मैं थोड़ी देर से लगा रहा हूँ तेरे को, प्रियंका मैडम के साथ है ना? अधिकारियों के बंगले पे बैक कराओगी आप? कोई दिक्कत नहीं है उसमें? क्या कौन है? कोई नहीं है थाने का, ये बता देंगे मैडम। तुम एक काम करो, पहले तुम ये तो हमको दो, ठीक है ना? उससे उनको शक ना हो। किसको? परमिशन ले लेना, नहीं मरवा दो। नहीं मरवा दो, मैं भी मत सुनो तो परमिशन ले, परमिशन परमिशन ले आओ। सुनो पैसा तो मैं दे ही दूंगी फिर, आप मत दे साहब, और आ जाओ तब देना, अभी मत दो रुको थोड़ा, पैसे तो मैं दे ही दूंगा, परमिशन तो ले आओ। इतने विश्वास नहीं है, भैया भी कह रही हो विश्वास भी नहीं है आपको, है पाती है ऐसी कर रहे तो ले आओ परमिशन, मेरा कमिटमेंट है, मेरा कमिटमेंट है, नहीं दूंगा। दे तो दूंगी, तुम्हें ऐसी बात करते हो, एसडीओ भी साहब को देना है और क्या। यहाँ मत लो फिर, सुनो यहाँ मत लो, नहीं बाहर चले, इनके सामने किसकी कह रहे हो? इनके सामने नोट गिनवाओगी क्या? तो फिर किसकी कह रहे हो? नहीं मेरे को लगा कहीं आपको ही लेने हो। ये भाई साहब अकेले में रख लिया करो, अकेले में दे दिया करो। वैसे अधिकारियों को भी अच्छा लगता है, क्या करो, कहने में भी वजनदारी आती है, समझ रहे हो आप? अब ये बंद कर दो, अरे 2 मिनट रुको, पैसा तो देख लेना, ज्यादा पहुंच गए तो दे दोगे तो क्या, बहने के पास तो जा रहे हैं, दुश्मन के पास जा रहे हैं, बंद क्यों नहीं हो रही है? रुको रुको, एक सेकंड एक सेकंड, कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं देख रहा आपको, ज्यादा चलेगा तो तुरंत बात आए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यार की मैडम बोल देना ध्यान से के बाद में, भाई मैं अभी नहीं दूंगा ध्यान रख, मैं अभी नहीं दूंगा ध्यान रख, मतलब लौट के आके ले लेना, लौट के आके ले लेना, अभी नहीं बीच में नहीं, और प्लीज कल की परमिशन ले लो आप। ऐसा मत करना कि आप कल की नहीं दे रहे परमिशन, क्योंकि वहाँ की पुलिस, धौलपुर पुलिस इंतजार कर रही है अपना। पहले ये वहाँ नहीं बताई मैंने, बता के मत चलना कि हम वहाँ आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, उन्हें नहीं बताई मैंने, जानकारी ले ली पहले किससे कि वो लड़की वही है, वो तो अपन सवेरे CDR निकलवा लेंगे, वो नहीं देंगे आपको सही जानकारी, सभी CDR निकलवा लेना, 10 मिनट लग रहे हैं। एक तो थानेदार हो, दो तो स्टार लगे कंधे पे, देख तो मॉर्निंग में कोई CDR नहीं देगा, अरे अपने रास्ते में दे देगा कोई ना कोई, चलो आप तो कुछ नहीं हो रहा भाई है, वो तो
वहाँ चुनाव है, कोई दिक्कत नहीं, कहाँ चुनाव है ना? वहाँ चुनाव है 11 तारीख को। आज कितनी है? आज है आज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय भूषण सिंह। आपके द्वारा एक आवेदन दिया गया, क्या आवेदन है, क्या क्या कार्रवाई की मांग की है आपने आईजी से? कार्रवाई ये थी कि मेरी पत्नी 5 अगस्त 2020 से लापता है और इसके लिए शिवपुरी पुलिस जो है 6 दिसंबर तक, मैं रेगुलर बोलता रहा लेकिन 6 दिसंबर तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर एक दिन इन्होंने मुझसे, SI जो प्रियंका मैडम है, प्रियंका जैन, इन्होंने मुझसे पैसे की डिमांड की कि 20,000 रुपये लगेंगे तभी हम इसमें कुछ कार्रवाई कर पाएंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। प्रियंका मैडम और बादाम सिंह से रेगुलर, बादाम सिंह जो थाना प्रभारी हैं कोतवाली, इनसे रेगुलर मैं बोलता रहा लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जैसे ही मैंने 8 दिसंबर को पैसे दिए शाम को 10,000 रुपये, तो इन्होंने ये तय किया कि 10,000 रुपये में हमारे लौट के आने के बाद तुरंत देने पड़ेंगे। उसके बाद ही पुलिस गई है इसी की शिकायत करने में, IG साहब से आया था। इस पूरे मामले में कौन कौन दोषी है? मुख्य रूपी से तो देखा जाए तो जो बादाम सिंह हैं, जो कोतवाली TI है, उनकी पूरी इसमें है। उन्होंने मुझे इतना परेशान कर दिया मानसिक रूप से, ना तो मैं सो पा रहा हूँ ना मैं काम कर पा रहा हूँ। सर मैं ये कोतवाली में सर एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ, प्रियंका जैन बताया जा रहा है, SI क्या मामला है सर ये पूरा? इस संबंध में अभी आपके द्वारा ये बताया गया है ऑडियो के संबंध में, इस संबंध में थाना प्रभारी को, क्योंकि इसमें उदय सिंह की पत्नी चली गई थी, इसमें गुमसुदगी कायम थी, उसी के ऊपर से ऑडियो वायरल हुआ जिसपे अभी उन्होंने देखा है इसको, इसकी जांच कराई जाएगी, इसमें वास्तविक कितनी सत्यता है इसकी जांच कराई जाएगी। सर मैं आपका भी नाम लिया जा रहा है, आप कोई भी किसी का नाम ले सकता है, टेल साहब का भी बोल रहा है, पता नहीं कर रहा है, मेरा भी बोल रहा है कि एक दिन साहब से बात हुई है, जबकि उसमें भाई ने ये भी करा कि एक दिन साहब तो खोला उसमें दिखे थे। इन सभी चीज़ों की बाइक जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके प्रति सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक।